देखिए है तो हादसा, लेकिन हादसे की वजह है बिजली विभाग की लापरवाही। ये और बात है कि ये घटना घट गई और इसमें कैजुअल्टी भी हो गई और कई लोग घायल भी हुए, पूरी बस जल के राख हो गई। जो लोग जल के मर गए हैं उनकी तो बॉडी देखी भी नहीं जा सकती इस स्थिति में। जो यहाँ हॉस्पिटल आ सके हैं इनमें मेरे देखने के हिसाब से एक की पोजीशन क्रिटिकल है, जो बच्चा है, हमको लगता है वो 6-7 साल का बच्चा है, और उसकी माँ और उसका दूसरा भाई जो घायल है वो ठीक है, लगता है कि सुधार हो जाएगा उसमें। बाकी दो और जो हैं उनको हाथ और पैर में कम इंजरी है, ऐसी इंजरी है जिसका इलाज लगता है हो जाएगा, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है, इससे सबक लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कहीं खेत में बस चली गई, वो एक सड़क थी, एक रास्ता है, तार जरूरत से ज्यादा नीचे लटक गया है और तार बस को टच कर गया और ये घटना घटी। बिजली विभाग छापा मार मार करके गांव गांव में, बाजार बाजार में, और तमाम तरह के उत्पीड़न FIR रोज सारा। और मैं समझता हूं गाजीपुर नगर में या जो भी शहरी क्षेत्र हैं इनमें ऐसे अनेकों स्थान हैं जहां कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना की खबर आ सकती है। पोल टूट गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, तारों के सहारे बस लटके हुए हैं, बिजली विभाग अंधा है, बहरा है, न उसको वो दिखाई देता, न वो सुनाई देता, न उसके लिए कोई उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, घटना घट गई है तो मैं तो कहूंगा ये तो एक सवाल है कि जो इस हादसे में मरे उनको सहायता सरकार दे, और जैसे अभी पता चला के 5-5 लाख के सहायता की, लेकिन बहुत कम है। इतनी बड़ी घटना घटी है कि इन्हें जो मौत हो गई है जिन लोगों की, उनके परिजनों को 20 लाख रुपया प्रत्येक के हिसाब से सहायता देनी चाहिए प्रत्येक परिवार को, और जो घायल हैं ये जो जिले अस्पताल तक आ गए हैं इनमें 25% 30% 40% 50% तक जले हुए लोग, तो इनको भी उसके समतुल्य, उसकी कम से कम आधी धनराशि इनको सहायता के रूप में मिलनी चाहिए। और सबसे जरूरी यह है कि बिजली विभाग में उस क्षेत्र में जो JE था, जो उस क्षेत्र का SDO है, जो उस क्षेत्र का XCN है, इन लोगों के लापरवाही के लिए जिम्मेदार मान के इनके खिलाफ FIR पंजीकृत होनी चाहिए, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। सांसद जी, जैसा कि वहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि 3-4 दिनों पहले मेला शुरू होने से पहले जो बैठक हुई थी, उस बैठक में EDM थानेदार तहसीलदार सभी लोग जिम्मेदार अधिकारी थे और ग्रामीणों ने इस समस्या को उठाया था, बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कहा ना कि लापरवाही की इंतहा है। अभी इस गाजीपुर सिटी के अंदर 10 पॉइंट ऐसे हैं जहां कभी भी किसी दिन कोई बड़ी घटना बिजली विभाग के लापरवाही के कारण हो जाएगी। आवश्यकता है कि इसकी बैठ करके देखा जाए, मीटिंग किया जाए, और उन स्थलों पर जहां बुरी तरह से पोल क्षतिग्रस्त है, तार ढीले हो चुके हैं, उनको दुरुस्त कराया जाए। और ये जो बिजली विभाग, इतना तो कभी नहीं देखा गया था, जो आतंक मचा रखा है इन्होंने, इस आतंक को रोक के पहले अपनी कमियां कहां कहां हैं, जो विभाग की जिम्मेदारियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें।